हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अवर राघव सिस्टर चैनल। तो आज हम इस वीडियो में दिखाने वाले हैं नुब्रा वैली। तो इससे पहले आपने जो वीडियो देखी थी वो देखी थी खाड़ूंगला पास की, तो वहाँ पे हम ऑलरेडी घूम के आ चुके थे। तो वहाँ से हम सीधा आए हैं अब नुब्रा वैली। सो नुब्रा वैली इज पर्टिकुलरली फेमस फॉर इट्स हाई एल्टीट्यूड कोल्ड डेजर्ट इन हुंडर विलेज। तो हम नुब्रा वैली पहुंचे थे आफ्टरनून के टाइम पे, तो ये यहाँ पे हमने करने स्टार्ट किया था लंच। तो लंच में था बफे, तो बफे बहुत सिंपल था और बहुत मुझे अच्छा भी लगा, ज़्यादा ऑयली नहीं था। तो यहाँ पे मैंने लिए थे दाल चावल, शाही पनीर, मिक्स वेज, रायता, पापड़ और चपाती। तो यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड व्यू के साथ इंजॉय कर रहे थे अपना लंच। तो लंच करने के बाद हम सीधा निकले थे यहाँ पे, साथ में ही एक रिजॉर्ट के पास एक रिवर फ्लो कर रही थी। सो द नुब्रा रिवर इज़ अ रिवर इन द नुब्रा वैली ऑफ लद्दाख इन इंडिया। इट इज़ ट्रिब्यूटरी ऑफ द शाइलॉक रिवर, अ पार्ट ऑफ द इंडस रिवर सिस्टम एंड ओरिजिनेट्स फ्रॉम द सियाचिन ग्लेशियर्स। तो यहाँ पे हम अपना लंच करने के बाद निकल चुके थे अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। सो दिस वैली इज़ फॉलोड बाय द खाड़ूंगला पास, विच इज़ द माउंटेन पास कनेक्टिंग ले एंड नुब्रा। एंड इसको बोला जाता है कि ये सेकेंड हाईएस्ट मोटिवेबल पास है वर्ल्ड का। तो अब हम जा रहे हैं अपने नेक्स्ट जगह पे जो कि है लद्दाख कार्टिंग। तो हमने यहाँ पे, मैंने और मेरे हस्बैंड ने की थी यहाँ पे कार्टिंग। तो हमने सोचा यार इतने दूर आए हैं और इतनी अच्छी जगह पे अगर आपको कार्टिंग करने के लिए मिलता है तो क्यों कोई नहीं करेगा। तो हमने भी यहाँ पे इसका मज़ा उठाया। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला था मैं जाऊंगी पहले, बिकॉज़ मुझे पता था कि उनको कार्टिंग बहुत अच्छे से आती है, वो मेरे से आगे निकल जाएंगे। तो वो मेरे पीछे, उन्होंने थोड़ी देर में स्टार्ट किया था। तो मुझे लगा मैं ये ट्रैक बहुत जल्दी कंप्लीट कर दूंगी, बिकॉज़ मैंने अपने हस्बैंड से पहले स्टार्ट किया था। बट लक ख़राब था कि मैं उनसे पीछे ही आई थी, उन्होंने मेरे से पहले कंप्लीट कर लिया था इवन आफ्टर ही वॉज स्टॉपिंग टू मच। बट मुझे थोड़ा डर लग रहा था बिकॉज आफ्टर सो लॉन्ग मैंने ये कार्टिंग करी थी। तो ये चीज़ मैंने बहुत सारे व्लॉग में नहीं देखी थी कि लोग दिखाते हैं कि यहाँ पे कार्टिंग का भी ऑप्शंस है और भी अदर एडवेंचर थिंग है जो कि आप कर सकते हो। तो मैंने सोचा कि ये चीज़ तो मैं पक्का अपने व्लॉग में बताने वाली हूँ कि अगर कोई भी लेह लद्दाख आ रहा है और नुब्रा वैली विज़िट कर रहा है देन गो अहेड, क्योंकि ये एडवेंचर करना इस इन्वायरमेंट में हर किसी को मौका नहीं मिलता है। तो अगर आप कभी भी नुब्रा वैली आ रहे हो देन डू मस्ट ट्राई। तो बस वहाँ पे कार्टिंग एंजॉय करने के बाद आ चुके थे हम खालसर सैंड ड्यून्स। तो इस सैंड ड्यून्स को बोला जाता है दिस इज़ द वर्ल्ड हाईएस्ट सैंड ड्यून्स। तो अगर आप यहाँ पे देख भी रहे हो कि सामने लिखा भी हुआ है दैट 81 राइड ऑन वर्ल्ड्स हाईएस्ट सैंड ड्यून्स खालसर नुब्रा विच इज़ अबाउट 10,500 फीट। तो यहाँ पर भी आपको एडवेंचर्स के लिए बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जैसे कि ATV राइड, जिप लाइन। तो यहाँ पे मुझे अच्छे खासे टूरिस्ट देखने के लिए मिल रहे थे बिकॉज़ ये जो व्यू था ये बहुत ज़्यादा सुंदर था और यहाँ पे लिटरली अगर आप ATV राइड ले रहे हो देन इट्स मोर वर्थ। तो इस जगह को फिल्म मेकिंग पॉइंट भी बोला जाता है बिकॉज़ यहाँ पे भाग मिल्खा भाग जैसी मूवी की शूटिंग भी हुई थी। तो आप देख सकते हो मूवी में जहाँ पे मिल्खा सिंह के पैर में टायर बांध दिए गए थे और वो वहाँ पे भाग रहे थे, तो वो सीन यहीं पे ही शूट किया गया था। तो इसके अलावा अगर आप और भी एडवेंचर करना चाहते हो देन जिप लाइन इज़ द बेस्ट एडवेंचर, यू कैन डू इट हेयर बिकॉज इट्स द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट हाई एल्टीट्यूड जिप लाइन। तो आपको यहाँ पे अगर ATV राइड करनी है या जिप लाइन करनी है तो यहाँ से आपको टिकट लेना पड़ेगा और टिकट लेने के बाद आप डायरेक्ट यहीं से ही ATV राइड कर सकते हो। तो ये यहाँ पे मैंने मेरे हस्बैंड ने की थी ATV राइड। तो हमने जिप लाइन नहीं कर पाए थे बिकॉज जिप लाइन के लिए बहुत बड़ी क्यू थी जिसके लिए बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता था, पर हमने सोचा नहीं ATV राइड तो हम कर ही लेते हैं। तो मुझे पीछे बैठ के बहुत ज़्यादा मज़ा आया था क्योंकि मैं तो भैया पूरा इंजॉय कर रही थी क्योंकि मेरे हस्बैंड चला रहे थे, मैं पीछे बैठ के पूरा लुफ्त उठा रही थी। तो ATV राइड करने के बाद हम निकल चुके थे दिस्कित मॉनेस्ट्री। तो दिस्कित मॉनेस्ट्री ऑल्सो नोन एज दिस्कित गोम्पा, और दिस्कित गोम्पा इज़ द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री इन द नुब्रा वैली ऑफ लद्दाख। तो यहाँ पे आपको एक बहुत बड़े बुद्ध स्टैचू मिलेगा। तो दिस बुद्ध स्टैचू इन गोल्ड एंड रेड फेसेस द शाइलॉक रिवर टूवर्ड्स पाकिस्तान एंड राइट बिलो द मॉनेस्ट्री ऑन द टॉप ऑफ अ हिल। तो ये जो स्टैचू है ये तीन चीज़ों के लिए मेन प्रमोट किया जाता है और जिसके लिए ये बहुत ज़्यादा फेमस है कि पहली बात तो प्रोटेक्शन ऑफ द दिस्कित विलेज, दूसरा कि प्रिवेंशन ऑफ द वार विद पाकिस्तान एंड द थर्ड वन इज़ प्रमोशन ऑफ द वर्ल्ड पीस।
सो बताया जाता है कि तिब्बती बौद्ध परंपरा के अनुसार प्रार्थना चक्र के बारे में ग्रंथों पर आधारित है। इस तरह के चक्रों को घुमाने का उतना ही अच्छा प्रभाव होगा जितना कि मौखिक रूप से प्रार्थना करना। तो फाइनली सारी व्हील्स को स्पिन करने के बाद हम आ चुके हैं स्टैचू के पास। तो आप देख सकते हो कि ये स्टैचू कितना बड़ा है। तो अगर आप रियलिटी में भी देखोगे तो ये इतना ज़्यादा बड़ा लगता है कि आपको दूर से ही ये स्टैचू आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये जो स्टैचू है ये एल्टीट्यूड ऑफ 10,300 फीट पर है। तो अगर आप ये सब जगह ट्रैवल करना चाहते हो तो आप चाहें तो हायर कर सकते हो कैब या टैक्सी, और या फिर अगर आपको अच्छे से बाइक वगैरह चलानी आती है या प्राइवेट व्हीकल से भी आप यहाँ पर आ सकते हो। तो स्टैचू के चारों तरफ भी आपको बहुत अच्छी ब्यूटी देखने के लिए मिलेंगी। तो आप देख सकते हो वीडियो में कि यहाँ पे ग्रीनरी भी है, माउंटेन्स भी हैं, सैंड ड्यून्स भी है, तो ये सब नज़ारा देखते ही बनता है। तो यहाँ के बाद हम सीधा जाएंगे कैमल सफारी जो कि है हुंडर में। तो इन कैमल्स को बोला जाता है बैक्टीरियन कैमल क्योंकि इनके होते हैं दो हम्प। तो ये मैंने पहली बार अपनी लाइफ में देखा था तो वो बहुत इंटरेस्टिंग लगा था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बैक्टीरियन कैमल राइड एंड पेंगोंग सोले कवर करेंगे। तो जो नेक्स्ट वीडियो है वो सीरियसली बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आप चैनल पर बनी रहिए। अगर आपको हमारा ये कॉन्टेंट अच्छा लगता है देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको कोई सजेशन है या आप और भी कुछ पूछना चाहते हैं देन प्लीज़ कॉमेंट बिलो। तब तक के लिए बाय।